नमस्कार। और फॉरवर्ड बैंडिंग बैकवर्ड बैंडिंग के पोषण और श्रृंखला में आज हम आपको करवाएंगे चक्रासन और पवन मुक्त आसन। तो चक्रासन हुआ बैकवर्ड बैंडिंग पोषण और उसका अपोजिट आसन हुआ पवन मुक्त आसन। तो किस तरीके से करेंगे चलिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले चक्रासन इस तरीके से आपको लेट जाना है, धीरे से पैरों को फोल्ड करना है, पैरों में थोड़ा सा कंफर्टेबल गैप रखें। आप अपने हाथ दोनों हाथ इस तरीके से कानों के बिल्कुल पास में रखें और धीरे से अब अपनी पूरी बॉडी को उठाएं। ये देखिए धीरे से कमर, फिर आपका शोल्डर और फिर धीरे से सिर उठाकर इस तरीके से हम चक्रासन का अभ्यास करते हैं। आप चाहें तो एड़ियां भी उठा सकते हैं। अब धीरे धीरे आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं ब्रीथ को नॉर्मल रखते हुए उतनी देर कीजिए, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। अब इसका एक ये तरीका हुआ और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको हम हाथ इस तरीके से रखवा कर केवल कमर भी उठवा सकते हैं या फिर हम सेतु बंधासन भी करवा सकते हैं कि आप केवल हाथ नीचे और कमर वाले हिस्से को उठा लीजिए। ये इस तरीके से भी अभ्यास करवा सकते हैं। ये इसके कुछ इजी मॉडिफिकेशंस हुए जिनको जैसे हम कहें कि कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है या वीकनेस है, हाथों में स्ट्रेंथ नहीं हो पा रही है, शुरुआत के नए स्टूडेंट्स हैं उनको हम ये करवा सकते हैं। अब इसके बाद इसका अपोजिट आसन, ये हुआ पवन मुक्त आसन। दोनों घुटनों को पीठ पर, नाक को दोनों घुटनों के बीच पूरा पेट पर दबाओ, दोनों पंजे मिले हुए। शुरुआत में ग्रिप भी कर सकते हैं आप, कोहनियाँ पकड़ सकते हैं या पूरा इस तरीके से पंजों को पकड़ कर ये लगा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पवन मुक्त आसन। ये योगा में बहुत बेसिक प्राणायाम बेसिक आसन है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स, अब इसके बेनिफिट्स की बात करें तो चक्रासन स्पाइनल कॉर्ड को पूरा एक्टिव करता है। ऑटोमेटिकली पूरी स्पाइनल कॉर्ड एक चक्र के समान, मतलब लाइक अ व्हील के समान स्ट्रॉन्ग बनती है। तो स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए, हाथों पैरों को और अधिक मतलब मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ ही जो एक्स्ट्रा फैट है या जो पेट संबंधी जितने भी रोग हैं, क्योंकि पेट की मसल्स बिल्कुल स्ट्रेच हो रही है, देखिए जो स्किन की लूजनेस है या पेट की मसल्स जैसे बहुत ज़्यादा वीक है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ ही साथ इसके अभ्यास से नाभि को स्वतः ही अपने स्थान पर बैलेंस करने के लिए, इसे कहा जाता है कि रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी नाभि कहीं धरन नहीं बैठती, जैसे कहा जाए तो इजी लैंग्वेज में कि धरन नहीं बैठती। उसके साथ में अब सबसे बड़ा इसका इजी वेरिएशन सेतु बंधासन या फिर आप कमर के नीचे कुछ तकिया या पिलो रखकर आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। अब आई पवन मुक्त आसन, उसका अपोजिट आसन। इसके बेनिफिट्स, पवन मुक्त आसन पेट संबंधी सभी रोगों के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन के लिए, डायबिटीज़ के लिए, बैक मसल्स के लिए और जब हम नेक को ऊपर उठाते हैं तो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। अब पवन मुक्त आसन के हम कॉन्ट्राडिक्शन पढ़े तो पवन मुक्त आसन आप आराम से करवा सकते हैं सभी लोगों को, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लोग हैं तो उनके दोनों पैर नहीं एक साथ बैंड होते, तो कोई बात नहीं आप उनको एक एक पैर से शुरुआत करें। और साथ ही साथ हर आसन के विपरीत आसन का जरूर हमेशा ध्यान रखें। और एक पवन मुक्त आसन का वेरिएशन में भी करवा सकते हैं आप कि जिन्हें हाइपरटेंशन है या बहुत ज़्यादा सर्वाइकल का पेन है, आप उनका सिर मत उठाइए, सिर को नीचे रखकर ही प्रैक्टिस करें। तो इन सब बेसिक चीज़ों का आप ध्यान रखिए, देखिए तो आसन का हम पूरा लाभ ले सकें। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कॉल, ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।